Hey guys, it's Sid here. तो फिर से आज अपन खेलने जा रहे हैं Minecraft. और लास्ट वाली वीडियो में आपको याद होगा कि पीछे की साइड में आपको जो विलेज दिख रहा है इसको अपन ने पूरा रेडी कर लिया था. यहाँ पे अपन ने विलेजेस के लिए थोड़े बहुत एक्स्ट्रा घास बनाए थे और साथ ही साथ में एक अपन ने काफी बड़ा टाउन हॉल बनाया था जो की काफी तगड़ा भी है. अभी अपने विलेज में जितने भी विलेजेस है ना वो सारे एकदम चिल से रह रहे हैं. सभी के लिए प्रॉपर पैड है, प्रॉपर घर है, हर एक चीज है उनके लिए. बट अभी यार आप देख रहे हो अपने पास यार डायमंड आर्मर, उसमें कोई भी एबिलिटीज नहीं है, वो एक सिंपल डायमंड आर्मर है. तो इन सभी को अपन इंचांट करने वाले हैं. बट इंचांट करने के लिए अपने को काफी ढेर सारी एक्सपी चाहिएगी और एक्सपी अपने पास 7 है. और अगर अपन ऐसे घूम घूम के ज़ॉम्बीज को मारेंगे तब तो पता नहीं भाई कितनी देर में अपनी एक्सपी इकट्ठा होने वाली है. तो इसके लिए अपन आज बनाने वाले हैं एक एक्सपी फार्म जो उसके काम पे लगते हैं फटाफट. और अपन बनाएंगे ना वो ज़ॉम्बी एक्सपी फार्म बनाने वाले हैं. वैसे देखो दो टाइप के फार्म बना सकते हैं अपन, एक तो जहां पर स्पोनर होता है वहां पर बना सकते हैं ये, क्या फिर बिना स्पोनर के बना सकते हैं. बट जो स्पोनर होगा ना वहां पे यार चल जल्दी स्पोन होने वाले ज़ॉम्बीज, तो वो फार्म थोड़ा फास्ट अपने को एक्सपी देने वाला है. तो अपन वो वाला बनाने वाले हैं ना कि बिना स्पोनर वाला. वैसे मैंने स्पोनर ढूंढ रखा है ज़ॉम्बी का और स्पाइडर का तो पहले मिल गया था अपने को, बट मेरे को यार ज़ॉम्बी का चाहिए था इसलिए मैंने ज़ॉम्बी का भी ढूंढ लिया है. अभी तो मैं यहाँ पे क्यों आया भाई, मैं भूल की भाई साइड में आ गया हूँ, मेरे को सामने की साइड में चलना है. सबसे पहले तो मेरे को एक काम और करने वाला हूँ मैं, वो है कि अपने जो टाउन लेना उसमें अभी आपको याद होगा कि आयरन डोर लगे हुए हैं, अपने को वहां पर यार वुडन गेट लगाने पड़ेंगे क्योंकि जो विलेजर्स हैं वो यार आयरन गेट को ओपन करके अंदर नहीं जा सकते, उनको वो ओपन ही नहीं करना आता है यार, एकदम बेवकूफ है भाई. बस इसलिए अपने को वहां पर यार वुडन डोर लगाने पड़ेंगे. सामने की साइड में देख रहे हो आप, यहाँ पे मैंने आयरन डोर लगा रखा है एक साइड में और एक उस साइड में. अभी मैं एक साइड का डोर है ना वो तो आयरन का ही रखने वाला हूँ और एक साइड का डोर है यहाँ से वो अपन बनाने वाले वुडन का, ताकि यहाँ से विलेजर्स है वो आराम से अंदर की साइड में चले जाएं. तो इस साइड में वुडन डोर मैंने दो बना लिए थे पहले ही, तो इनको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ. अभी विलेजर्स वो आराम से अंदर की साइड में कुछ ऐसे जा सकते हैं. और बाकी एक बार फिर से यार आप अंदर से देखो यार, ये तो मतलब एक अल्टीमेट लग रहा है, काफी बढ़िया बना है. अभी तो मैं इससे बाहर चलता हूँ और वैसे भी यार रात हो रखी, तो एक काम करते हैं अभी अपन चल के सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर अपन एक्सपी काम के काम पे लगने वाले हैं. ए विलेजर भाई खड़ा हो, देख यहाँ से खड़ा हो, यहाँ पे मैं सोने वाला हूँ. अभी ये मेरी जगह है क्योंकि सारे घर मैंने ही बनाए, बट आज इसके लिए सोने वाले हैं, फिर तो अपन अपने खुद के घर में ही सोने वाले हैं. सो के दोबारा से मैं उठ चुका हूँ, चलते हैं भाग साइड में. भाई भाड़ तो काफी तगड़ी बारिश हो रही है, बट कोई नहीं, अभी अपन एक्सपी फार्म बनाने वाले हैं ना तो उसके अंदर अपने को थोड़ा बहुत आइटम भी चाहिएगा. जैसे कि अपने को 4 होपर चाहिएंगे, अपने को 2 चेस्ट चाहिएंगी एंड 4 अपने को वाटर बकेट चाहिएंगी, बस इतना ही. ये सारा का सारा आइटम है ये अपना बनने वाला है आयरन से. तो आयरन तो अपना मैं लेके आ चुका था, पहले भी लेके आया था काफ़ी ढेर सारा, और वो सारा के सारा मैंने यूज़ में भी नहीं लिया था. वो बस मेरे को ढूंढना पड़ेगा भी यार इनमें से कौन से रूम में. वैसे अगर नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन लेके आ जाएंगे आयरन फार्म से. अभी इस साइड में चेस्ट खाली पड़ी यार, मैंने रखा तो शायद तक इन्हीं में से किसी एक रूम में था. जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं, इस वाले में चलता हूँ और यहाँ पे भी नहीं है, इससे आगे वाले में चलना पड़ेगा. और बाकी यहाँ पे पिग्स भी यार धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं. और वैसे एक सेकंड, अभी मेरे को याद है यार जब अपन ने आयरन फार्म बनाया था ना तो थोड़ा बहुत आइटम एक्स्ट्रा था वो बच चुका था, तो वो भी इनमें से किसी में मिलने वाला है. उनमें से कोई काम की चीज़ होगी तो वो भी अपन उठा लेंगे. अभी यहाँ पे मेरे को 7 आयरन इग्नेट मिल चुके हैं, बाकी इनमें से और कोई काम की चीज़ नहीं है. लास्ट एक रूम बचा है तो इसमें भी चल के जल्दी से चेक कर लेते हैं कोई काम की चीज़ है या फिर नहीं. इसको ओपन करें तो भाई यहाँ पे यार 2 होपर तो अपने को पहले से बने हुए मिल चुके हैं और बाकी 2 चेस्ट मिल चुकी हैं. अभी अपने को 2 होपर और बनाने पड़ेंगे और इनमें से और तो कोई भी काम की चीज़ नहीं है. बस मैं स्टिक्स ले लेता हूँ ताकि अपन पड़ी है, वैसे मेरे पास 2 चेस्ट भी पड़ी हैं, बट कोई नहीं और एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी तो मैं स्टिक्स ले लिए मैंने. बाकी बस अभी मेरे को इस साइड में चलना पड़ेगा भाग के, मेरे को 2 होपर और बनाने हैं. तो अपनी क्राफ्टिंग टेबल है वो इस साइड में अंदर पड़ी है, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ. अपने को होपर बनाने की रेसिपी मेरे को याद नहीं है ढंग से कि क्या होने वाली है, तो होपर मैं सर्च कर लेता हूँ. HOPPER होपर के अंदर यहाँ पे अपने को 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 अपने लगने वाले आयरन एंड 1 अपने लगने वाला है चेस्ट. तो अभी मेरे को यार भाग के जाके आयरन और लेकर आना पड़ेगा क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ 1 ही बना सकता हूँ. और साथ में अपने को थोड़ी बहुत वुड्स भी और चाहिएंगे क्योंकि चेस्ट भी अभी अपने पास 1 ही बची है और 1 है ये भी चली जाएगी. अपने को 1 होपर और बनाना ना भाई. चल हो क्या हो गया, मैं सोचता कि भाई रह कैसे गई, बट फाइनली चल पड़ी है. तो जल्दी से फटाफट चलते हैं अपने आयरन फार्म पे, रेल में बैठ के आज को अपने आयरन फार्म पे फटाफट इससे नीचे उतरते हैं और भाग के चलते हैं ऊपर की साइड में. और ये आज को ऊपर और चेस्ट को ओपन करें तो भाई फिर से काफी ढेर सारा आयरन इकट्ठा हो चुका है यहाँ पे. बस अपने को
को यहाँ से एक स्टिक चाहिए, एक स्टिक तो वैसे मेरे को चाहिए नहीं बट मैंने ले लिया क्योंकि काफी ढेर सारा अपने पास आयरन है। ओ भाई क्या बचाऊं यार, मतलब एकदम लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे आके अपन ऐसे वाटर की साइड में हो गए बट कोई नहीं अपन बच गए, इतना ही काफी है। ओ भाई यार माइनकार्ट दोबारा से चली गई क्योंकि यहाँ से ऑन था, मेरे को यार अभी एक माइनकार्ट और बनानी पड़ेगी बट कोई दिक्कत नहीं है। सामने की साइड में अपने पास यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल पड़ी है तो फटाफट मैं बना लेता हूँ। अभी अपन भग के चलते, अभी अपने को थोड़े बहुत वुड चाहिएंगे ताकि उससे अपन चेस्ट बना सके, फिर अपन चलने वाले हैं डायरेक्ट अपने एक्सपी फार्म को बनाने के लिए। और वैसे जो एक्सपी फार्म की जो लोकेशन है जहाँ पे अपन बनाने वाले हैं तो जोम्बी का स्पूनर वो मैंने पहले ही ढूंढ रखा है, बस अपने को वहाँ पे चल के काम पे लगना है। अभी इस साइड में मैं माइन कार्ट रखता हूँ, माइन कार्ट को पहले भी को रखना पड़ेगा नीचे की साइड में, इसको रखता हूँ ऊपर और यहाँ पे इसमें बैठते मेरे को बैठना पड़ेगा वरना भाई ये भी थक जाएगी। ये मैं आ चुका हूँ वापस से अपने विलेज में, यहाँ से नीचे उतरते हैं तो फटाफट मैंने एक होपर और बना लिया। अभी टोटल 4 होपर अपने बन चुके हैं। अभी अपने को फटाफट उस साइड में चल के ना बस वुड्स इकट्ठा करनी है तो इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से और वुड्स पीछे की साइड से इकट्ठा करके फटाफट अपन दो चेस्ट और बना लेते हैं। यहाँ से मैंने वुड्स भी ले लिए, अभी यार कौन वहां पे भग के चलेगा दोबारा से, यहीं पे यार अपनी क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। इससे बना ली मैंने यहाँ पे 1 and 2 चेस्ट बना लिए, हो गया अपना काम पूरा कंप्लीट। और भाई तू वापस आ, तेरे को मेरे को बाद में वापस चाहिए भी है तो इसको मैं वापस से ले लेता हूँ। और अभी मैं निकलता हूँ गाइस फटाफट, नहीं नहीं एक सेकंड फिर से अपनी एक चीज रह गई भाई, मैं हर बार यार एक एक चीज भूल जाता हूँ। अभी मेरे को वाटर बकेट्स भी चाहिए इस साइड में, ये पड़ी बकेट और यहाँ से वाटर बकेट बनना मैं चालू करूँ। टोटल 5 की 5 मैंने वाटर बकेट भर लिए, अभी बस अपने को जो जॉम्बी वाला स्पोनर है वहां पे चलना है। ये आ चुका हूं मैं भगते भगते अपने जॉम्बी स्पोनर के पास में, अपने को सामने की साइड से यहां से नीचे जंप लगानी है, लेट्स जंप। आराम से चलते हैं नीचे की साइड, ये हो चुका मैं यहाँ पे एकदम बढ़िया से लैंड और ये रहा अपना पीछे की साइड में जॉम्बी स्पोनर। और यहाँ पे मैंने एक लालटेन भी लगा रखी है ताकि यार जॉम्बी वगैरह स्पोन ना हो और उनसे अपने को पंगे ना लेने पड़े वरना यार वो अपने को एक्सपी फार्म नहीं बनाने देंगे। और अभी एक बार मैं चेस्ट में नजर मारता हूँ, इसको तो मैंने चेक ही नहीं किया था। ओ यहाँ पे 2 पंपकिन सीड है और रेस्टोन है तो ये भी मैं ले लेता हूँ। बाकी यहाँ पे एक नेम टेक है, नेम टेक काम में आने वाला है और बाकी इनमें से तो यार कोई भी चीज बढ़िया नहीं है कि म्यूजिक डिस्क है, इसको मैं ले लेता हूँ बाकी रहने देते हैं। अभी देखो अपने को कुछ ऐसे करना है जो यहाँ पे जो स्पोनर बना ना इसके इससे बगल में 5 ब्लॉक उस साइड में एंड 5 ब्लॉक उस साइड में एंड 5 उस साइड में एंड 5 उस साइड में, मतलब कि बीचों बीच ये रहने वाला है और बाकी 5 5 5 ब्लॉक चारों साइड में होने वाले हैं। तो पहले अपने को निकालनी पड़ेगी इसके लिए पिकएक्स और एक काम करता हूँ उससे पहले चेस्ट है ना इसको भी मैं तोड़ के अपने पास रख लेता हूँ और जो लालटेन है इसको तोड़ने वाले हैं। और लालटेन की जगह मैं टोर्च निकालता हूँ और इसको मैं स्पूनर के चारों साइड में लगा देता हूँ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक इस साइड में एंड एक ऊपर की साइड में। अब भी यहाँ पे कोई भी जॉम्बी स्पॉन नहीं होने वाला और इसको मैं तोड़ देता हूँ यहाँ से, इसको मैंने तोड़ दिया। अभी 1 2 and 3 तो पहले से अपने को आगे 2 ओडी करना है, 4 एंड इस साइड में ये वाला 5, यहाँ तक 5 ब्लॉक होने वाले हैं कुछ यहाँ तक और बाकी इस साइड में 1 2 3 साइड में 1 और यहाँ पे ये 2 ये वाला होने वाला है कुछ यहाँ तक और सेम टू सेम उस साइड में 1 2 एक और करता हूँ मैं आगे की साइड में एक यहाँ पे एंड 1 2 3 4 ये कुछ होने वाला है यहाँ तक, ये वाला 5 ब्लॉक इस साइड में एंड इस साइड में 1 2 ये भी पूरा आगे तक जाने वाला है। ओ भाई मेरे को बैट तोड़ना पड़ेगा बट कोई नहीं, मैं बैट तोड़ के दोबारा से रिस्पॉन पॉइंट सेट करने वाला हूँ ताकि यार अपन अगर मर भी जाए यहाँ पे तो यहीं पे स्पॉन हो वरना घर पे यार फिर मेरे को वापस आना पड़ेगा काफी दूर से। रिस्पॉन पॉइंट मैंने सेट कर लिया, अभी दोबारा से काम पे लगते हैं। अभी एक बार मेरे को वापस से गिरने पड़ेंगे 1 2 3 4 एंड एक और करना पड़ेगा 5, यहाँ तक 5 होने वाले हैं। अभी चारों साइड में 5 5 ब्लॉक हो चुके हैं, बस इनको और हटाना मेरे को तो फटाफट इस साइड के सारे मैं हटाता हूँ यहाँ से जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। और राइट गाइस, तो यार मैंने चारों साइड से 5 5 ब्लॉक्स को डिकार्ड दिया है और ये मैंने इसलिए किया है ताकि जितने भी जॉम्बीज है ना वो इतने से घेरे में स्पॉन हो, अगर वो इससे बाहर स्पॉन होंगे तो फिर यार अपना एक्सपी फार्म ढंग से काम नहीं करने वाला। अभी अपना नेक्स्ट काम है जो जॉम्बी स्पॉन है ना इसके नीचे अपने को 3 ब्लॉक और डिक करना है, तो इस साइड से मैं डिक करना स्टार्ट करता हूँ 1 2 and 3 इतना अपने को पूरा नीचे तक डिक करना है चारों की चारों साइड से। तो फटाफट मैं इसके लगता हूँ, बस आप मेरे को थोड़ा सा इतना सा टाइम दो, मैं पूरा का पूरा नीचे तक डिक करता हूँ और उसके बाद मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। अभी ये वाला काम मैंने सारा डन कर दिया है, अभी बस अपने को चारों कोने में एक एक वाटर बकेट डालनी है जो कि अपने पास पड़ी है, एक यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे एंड थर्ड यहाँ पे एंड फोर्थ लास्ट है वो यहाँ पे आने वाली है और बीच में अभी 4 ब्लॉक का स्पेस है जो कि बचने वाला है। और ये कुछ अपन ने ऐसे बनाया कि ऊपर के साइड से जो जॉम्बी हैं
वो स्पॉन होने वाले हैं और उसके बाद में वो नीचे गिरेंगे और वाटर के फ्लो के साथ साथ वो यहाँ तक आने वाले हैं। और अभी जो आपको 4 ब्लॉक का स्पेस बचा है इसको अपन नीचे 5 ब्लॉक टिक करने वाले हैं। तो फटाफट इसके काम पे लगते हैं। 1, 2, 5 ब्लॉक टिक करके मैं नीचे की साइड में आ चुका हूँ, बट अभी यहाँ पे काफी अंधेरा है तो पहले मैं टॉर्च लगा लेता हूँ। अभी देखो, अभी अपने को जहाँ से अपन खड़े होकर ज़ॉम्बीज़ को मारने वाले हैं ना, वो वाला एरिया बनाना है, तो अपन किसी भी साइड में बना सकते हैं। मैं बनाने वाला हूँ इस साइड में। तो 2 ब्लॉक अपन चलते हैं इस साइड में, आगे की साइड 1 एंड 2 ब्लॉक यहाँ तक। और अभी यहाँ पे कुछ अपन होपर लगाने वाले हैं 4, और उन सभी का फेस करने वाले हैं अपन इस साइड में जहाँ पे अपनी चेस्ट लगने वाली है। पहला एक ओपन होने वाला है यहाँ पे और एक होने वाला है यहाँ पे, जस्ट इसके पीछे एक यहाँ पे एंड एक इसके जस्ट पीछे यहाँ पे। अभी पीछे वाले दोनों का फेस इस साइड में और जो आगे वाले हैं उनका और भी आगे की साइड में। अभी पहले तो मैं ऊपर की साइड से 2 तोड़ता हूँ, बीच में दिक्कत देंगे, इस साइड से ये भी मैं तोड़ देता हूँ। एंड अभी इसके जस्ट आगे की साइड में अपन लगाने वाले हैं 2 चेस्ट 1 यहाँ पे एंड 1 यहाँ पे, कुछ ऐसे। और इनके ऊपर एक एक स्लैब आने वाली है, तो स्लैब मेरे को बनानी पड़ेगी, वो भी मैंने बना नहीं रखी है। और आगे का थोड़ा सा एरिया मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा एरिया और आगे तक कर दूँ मैं, यहाँ से थोड़ा और इस साइड में। हाँ अभी ठीक है, अभी ये वाला एकदम परफेक्ट है। अभी यहाँ पे मैं पहले मेरे को स्लैब बनानी पड़ेंगी, तो उसके लिए मेरे को क्राफ्टिंग टेबल चाहिएगी। क्राफ्टिंग टेबल में जाने के बाद में तो 6 स्लैब मैं बना लेता हूँ। अभी स्लैब बना के ये स्लैब अपन लगाने वाले हैं इनके ऊपर यहाँ पे, कुछ ऐसे 1, 2, 3 एंड 4। और ऊपर की साइड ये वाला मैं वापस से कर देता हूँ यहाँ से ब्लॉक, तो उसके लिए स्टोन चाहिएगा मेरे को। और स्टोन लेके ये वाला यहाँ से पूरा ऐसे कर देता हूँ। बस यहाँ पे खड़े होकर अपन यहाँ से कुछ ऐसे मारने वाले हैं। अभी यहाँ पे आएंगे ज़ॉम्बी वगैरह, उनको पटापट ऐसे कुछ मारने वाले हैं अपन। अभी जो ये क्राफ्टिंग टेबल है इसको तो मैं लेता हूँ दोबारा से अपने पास। और अब ऊपर जाने का रास्ता बनाता हूँ मैं इस साइड से, ताकि अपन ऊपर जाके और जो ऊपर की साइड में मैंने टॉर्चेस लगा रखी ना ज़ॉम्बी स्पॉनर के आसपास में, तो वो हटा दूंगा। उसके बाद में ज़ॉम्बी हैं वो नीचे आना स्टार्ट होने वाले हैं और अपना फॉर्म है वो वर्क करना स्टार्ट करने वाले हैं। और इस साइड में एक टॉर्च लगी है, इसको भी मैं तोड़ देता हूँ। बट भाई यहाँ पे टॉर्च तोड़े देख रहे हो कितना अंधेरा हो चुका है। अब एक बारी बस आपको थोड़ा सा टाइम दो, इस रास्ते को मैं ऊपर तक बना के लेके जाता हूँ और उसके बाद में आपसे मिलता हूँ। फाइनली गाइस मैंने इसको बना के पूरा रेडी कर दिया है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे स्टेज बनाई है जिनसे अपन ऊपर से नीचे आ सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे अपन पटापट उनको मार के ज़ॉम्बी को एक्सपी क्लेट कर सकते हैं। बट अभी यार ज़ॉम्बी आ नहीं रहे, क्योंकि ऊपर की साइड में आपको याद है अपन ने स्पॉनर के चारों साइड में टॉर्चेस लगाई थी, तो पहले अपने को ऊपर चल के वो टॉर्चेस हटानी पड़ेंगी, तभी अपने ज़ॉम्बी स्पॉन होने वाले हैं। और बाकी एक बार यहाँ पर नीचे नजर मारो, 7 से मेरी 15 XP हो चुकी है। वो इसलिए हो गई क्योंकि भाई जब मैं ये वाला मदा रहा था ना पूरा रास्ता वस्ता सारा कुछ, तब यार भाई यहाँ पे इतने ज़ॉम्बी स्केलेटन स्पॉन हो रहे थे, उनको मार मार के मेरी भाई यही पे हो गई 15। तो सोचो अभी अपना ये स्टार्ट हो जाएगा तब तो कितनी जल्दी होने वाली है। और बाकी इसके अलावा मैंने एक चीज और भी बनाई है, वो मैं आपको बाद में दिखाने वाला हूँ। पहले तो मैं ना ये वाले हटा के लाइट्स और इसको स्टार्ट करते हैं अपने ज़ॉम्बी फार्म को। तो यहाँ से यार मैं 1-2 लाइट तो हटा सकता हूँ, बट जो साइड में लगी है इनको मेरे को नीचे जंप करके ही तोड़ना पड़ेगा। एक बार कई काम कर दो, मैं पहले तो अपना फूड का लेवल फुल करते हैं, उसके बाद में अपन नीचे जंप लगाने वाले हैं। नीचे वाटर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड से इसको भी मैं तोड़ता हूँ। भाई मैं नीचे ना चला जाऊँ, कभी पता चला कि मैं ही ट्रैप में फंस गया ज़ॉम्बी के बजाय। इस साइड से ये भी फिर मेरे को ज़ॉम्बी भाई वो मेरे को मार मार के मेरे से एक्सपी कलेक्ट करेंगे। अभी ऊपर की साइड में इनको तोड़ना है, बट इनको तोड़ने से पहले मैं एक बार रास्ता बना लेता हूँ, ताकि इनको तोड़ते ही मैं झटके में ऊपर भग के चलूँ। तो यहाँ से कुछ एक मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, बट इसमें मैं जाने के लिए एक इस साइड में लगाने वाला हूँ। ओके बस अभी मैं यहाँ से कुछ ऐसे जाने वाला हूँ और साथ साथ में मैं इनको तोड़ते हुए भी जाऊँगा, वरना फिर अपन जा नहीं पाएंगे। ओके ठीक है, आराम से यहाँ तक अपन आ जाएंगे। अभी बस इस साइड से भी को 2 तोड़ने हैं, एक तो ये वाला, इसको तोड़ते अपन भगने वाला है। ये मैंने तोड़ा, ओ भाई इसको तोड़ते ज़ॉम्बी आने लगा। भाई जल्दी फटाफट निकलो अपने, इस साइड से मेरे को बस नीचे से तोड़ते हुए चलना है। तो ये वाली मैं तोड़ता हूँ, अब इससे ऊपर इसको भी तोड़ते हैं। एक काम करते हैं, मैं इसको तोड़ लेता हूँ वरना फिर से अपनी दिक्कत होने वाली है। और अभी इसको भी तोड़ देता हूँ, अभी अपना पूरा रेडी है। इस साइड में मैं लगा देता हूँ, वापस ब्लॉक कर देता हूँ, ताकि और भी ज़्यादा अंधेरा हो और भी ज़्यादा ज़ॉम्बीज स्पॉन हो। अभी बस अपने को नीचे की साइड में चलना है और मारने को लगना है उनको, अपनी XP कलेक्ट होने लग जाएगी। इस साइड में आप देख रहे हो, ओ भाई मैं ऊपर से नीचे आया, इतनी बार में 2 ज़ॉम्बीज और आ चुके हैं। मैं स्वॉर्ड निकालता हूँ और इनको मारना स्टार्ट कर दो। हेलो भाई बढ़िया से XP दे दे ब्रो, पूरे एकदम मजा आ रहा है की साइड में। भाई ये भी सोच रहे होंगे मैंने तो इनसे पंगा भी नहीं लिया और इसने अपने लिए ट्रैप बना दिया पूरा एकदम बढ़िया से। देख रहे हो अभी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे आके गिर रहे हैं, तो इनको पहले से डैमेज मिल रहा है। बस अपने को एक तो स्वॉर्ड मारनी है
और अपने पास एक्सपी आती रहेगी। इसीलिए मैंने इसको 5 लोग नीचे डिक किया था ताकि यार उनको बस अपने को एक दो स्वर्डी मारनी पड़े और वो मर जाए। ओ भाई वो खत्म नहीं हुई, उससे पहले और आगे। चलो भाई इनको भी मार दे। गाइस अब वो काफी ज्यादा टाइम उसका एएफके खड़ी होके इनको मारते मारते अभी एक बार आप नीचे के साइड में देखो अपने पास टोटल 51 एक्सपी कलेक्ट हो चुकी है और इसको मैंने टोटल कलेक्ट किया है 40 to 45 मिनट्स में। मतलब की 3 घंटे में अपनी 100 एक्सपी तो कलेक्ट नहीं होगी पर 60 to 70 से कम भी नहीं होगी जो कि काफी बढ़िया स्पीड है। अभी तो यार मैं यहाँ पे खड़े होके मारते मारते काफी बोर हो चुका हूँ, इनको मैं बाद में मारने वाला हूँ। बाकी बढ़िया आप देख रहे हो ना एक एक सोर्ड में भाई ये मर रहे हैं और अपने को बढ़िया एक्सपी दे भी रहे हैं। लास्ट बचे इसको भी मैं मारता हूँ। वैसे तो लास्ट का भाई इतनी देर में और ऊपर से आ जाएंगे, देख रहे हो मैं बोल ही रहा था भाई इतनी देर में ऊपर से वापस आ गया यार, इनको छोड़ एक बारी। बाकी अगर आपको यार ये वाला अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जाकर लाइक का बटन दबा दो। अभी तो मैं आपको ऊपर चल के एक चीज और दिखाता हूँ जो कि मैंने रेडी की है। ऊपर की साइड में चलते हैं और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो ये वाला पाथ है, ये तो है अपना ऊपर से नीचे आने के लिए और इस साइड मैंने एक और बना दिया है जो कि अपना ऊपर जाने के लिए। अभी तो ये सिंपल है बट बाद में अपन यहाँ पे अपने सी से जाके वो लीव्स लेके आने वाले हैं, उसके बाद अपन फुली स्पीड से ऊपर जाने वाले हैं। अभी ऊपर मैंने एक छोटा सा वो भी बनाया जहाँ पे पेन रुक सकते हैं क्योंकि देख रहे हो। ओ भाई ये रहा ओके नहीं भाई मैं मरूंगा यहाँ पे, ये रहा ओके ठीक है मैं बच गया भाई, मेरे को याद नहीं रहा बातों में। मैंने यहाँ पे ये बना दिया था ताकि बीच में अपन सांस वगैरह ले सके क्योंकि अभी यार ये स्पीड में नहीं जा रहे अपन तो अपने हार्ट है वो जाने लग जाएंगे उसके बाद में। अभी मैं वापस चलता हूँ। ये आ गया मैं ऊपर की साइड में। ओ ऊपर तो भाई बारिश हो रही है काफी तेज। आज देखो गाइस अपन ने एक्सपी फार्म बना लिया है और उससे अपने को बढ़िया से एक्सपी भी मिल रही है तो अभी एक्सपी की अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट पार्ट में अपन बढ़िया से अपनी चीजों को एन्चांट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको आज वाली वीडियो में यार कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, एक्सपी कलेक्ट करनी है, मतलब कुछ भी अच्छा लगा हो तो यार जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। और बाकी यार गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर दो, ए इनको बोल सब्सक्राइब करने के लिए। तो बस यार गाइस आज की वीडियो यही तक, बाकी कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। गाइस बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।